इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अगर आप जेरादा काइट का एप्लीकेशन या फिर जेरादा को इस्तेमाल करते हैं या फिर जेरादा में अपने अकाउंट खोल रखा है तो जेरादा में आप अपने प्रोफाइल पिक्चर को किस तरह से ऐड कर सकते हैं या फिर जेरादा को प्रोफाइल पिक्चर किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको काइट में लेकर चलता हूँ अपने जेरादा के अकाउंट में। यहाँ पर आने के बाद आपका अकाउंट वाला ऑप्शन आ जाता है, हमें अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने पिक्चर नहीं लगाई हुई, बहुत सारे लोग यहाँ पर पिक्चर नहीं लगाते या फिर लगाना ही नहीं जानते, तो किस तरह से लगाई जाती है वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम दोस्तों ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपका जो नाम है उसके दो अक्षर शुरुआत के आ जाते हैं तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जो सेक्शन है उसके ऊपर। इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करने के तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है एडिट अवतार, यानी हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर है वो यहाँ से हम लगा सकेंगे। टेक अ पिक्चर एंड सेलेक्ट अ पिक्चर पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हम करेंगे अपनी गैलरी से, इसको अलाउ करेंगे, परमिशन देने देनी है। उसके बाद आपकी गैलरी ओपन होगी, यहाँ से आपको ओपन कर लेनी है अपनी गैलरी। आपकी जो पिक्चर है उसको आप यहाँ से ढूंढ लेंगे जो भी आपकी गैलरी में जहाँ पर भी आपकी पिक्चर वगैरह होगी। तो मैं इसको मेरे एक भी कोई अच्छी से एक पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी पिक्चर ले ली है। आपको भी यहाँ से अपनी जो भी फ़ोटो है उसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर हम आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर नहीं लग रही, क्यों ये नहीं हो रहा, तो इसका रीज़न गाइस थोड़ा टाइम लेने के बाद ही हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जो पिक्चर है उसको एडिट करना ऑप्शन आ जाता है, किस तरह से आप इसको लगा सकते हैं या फिर आप इसमें किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर सेट करने के लिए बताई जाती है। आप यहाँ पर अपनी फुल पिक्चर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इसको कम करना है या फिर स्केल वगैरह भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर ऐसे ही सर्कस में रहता है। इसके बाद आपको जो एडिटिंग वगैरह है वो कर लेनी है। उसके बाद आपको डन वाला सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। डन वाले सेक्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे आपकी फ़ोटो यहाँ पर बिल्कुल भी सक्सेसफुल ऐड हो चुकी है। तो गाइस इस तरह से आप भी जेरादा के एप्लीकेशन या फिर जेरादा के अकाउंट में अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।